टुडे डिस्कस अबाउट हिस्ट्री चैप्टर नंबर फोर मुग़ल साम्राज्य आज हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे और ये पता लगाएंगे किस प्रकार मुगलों ने भारत पर शासन किया और किस प्रकार एक उनका बड़ा समुदाय लंबे समय तक राज्य किया और उन्होंने किन किन इमारतों का निर्माण करवाया बहुत सारे ऐसे भी कार्य उन्होंने करवाए थे जिनकी रूपरेखा आज भी हम देख सकते हैं क्योंकि मुग़ल काल के जो मुगल बादशाह हुए उन्होंने कई प्रकार के देश के अंदर इमारतों के निर्माण करवाई जो आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं मुग़ल साम्राज्य से संबंधित कुछ तथ्यों पर पिछले टर्न पर हम लोग प्रकाश डाल चुके थे आज हम लोग मुगल साम्राज्य के इतिहास के बारे में प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे और पता लगाएंगे किस प्रकार मुगलों ने शासन किया मुग़ल साम्राज्य का इतिहास आज हम लोग इसी टॉपिक पर विचार करेंगे मुग़ल साम्राज्य का इतिहास काफ़ी समय तक रहा इसका कार्यकाल 1526 ईसवी ईस्वी से लगभग 1800 ईसवी ईस्वी के आसपास तक रहा मुग़ल साम्राज्य में जो मुग़ल सम्राटों में प्रथम प्रथम शासक था जिसका नाम बाबर था जिनका कार्यकाल 1526 से 1530 के मध्य रहा इन्होंने सन 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफग़ान समर्थकों को हराया सन पंद्रह सत्ताईस में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया पंद्रह सौ में चंदेरी में राजपूतों को हराया और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल साम्राज्य का नियंत्रण स्थापित किया इसी क्रम में बाबर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र हुमायूं ने अपनी पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बट बंटवारा किया प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला उसके भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफ़गान प्रतिनिधियों के सामने फीका पड़ गया शेर ख़ान ने हमायूँ को दो बार हराया जिसमें पंद्रह सौ ईस्वी में चौसा के युद्ध में और सन 1540 में कन्नौज के युद्ध में हमायूँ को हार का सामना करना पड़ा इन पराज, पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया ईरान में हमायूँ ने शफाव साह की मदद कर ली उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई तो इस प्रकार हुमायूं का कार्यकाल पंद्रह सौ तीस से पंद्रह सौ चालीस और पुनः फिर पंद्रह 15 से पंद्रह सौ पचपन से पंद्रह सौ छप्पन ईस्वी तक उनका कार्यकाल रहा और इसी क्रम में आगे आप हुमायूं के पुत्र अकबर यह अकबर एक ऐसे सम्राट हुए मुगल शासकों में जिनकी वायु सबसे कम थी यानी तेरह वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना उसके शासनकाल को तीन अवधियों में विभाजित बिवाज... किया गया था जिसमें पंद्रह और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैनम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया था उसने सूरी यानी शेरशाह सूरी और अन्य अपमानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतीले भाई मिर्जा हाकिम और उस वेगों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए सन पंद्रह में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और पंद्रह में रणथम्भोर पर कब्जा कर लिया था इसी क्रम में दूसरी अवधि जिसमें सन 1570 और पंद्रह के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए जिन्हें पंद्रह से अस्सी में मिर्ज़ा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया और इसी तीसरी अवधि के अंतर्गत पंद्रह से 1605 सो के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्ज़ा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार कुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई यही सलीम आगे आगे चलकर सम्राट जागीर कहलाया इसी क्रम में अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जिसका नाम सलीम था और आगे चलकर इसका नाम जागीर पड़ा जहाँगीर का कार्यकाल कार अधिक वर्षों तक नहीं रहा क्योंकि उसकी कार्यप्रणाली ज़्यादा अच्छी नहीं थी जबकि अकबर के कार्यप्रणाली उसका प्रशासन बहुत ही अच्छा था आज हम लोग जो भी पुरानी इमारतों को देख रहे हैं वो अकबर के शासनकाल में ही बनाई गई हैं जागीर का कार्यकाल 1605 सौ ईस्वी से 1627 सौ ईस्वी तक रहा जागीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया मेवाड़ की सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुग़लों की सेवा स्वीकार की उसके बाद सिखों अहमों और अहमदनगर के खिलाफ़ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए जहाँगीर के शासन के अंतिम वर्षों में उनके पुत्र राजकुमार खुर्रम जिनका बचपन का नाम खुर्रम था जो बाद में सम्राट साँझा के नाम से प्रसिद्ध हुए जिन्होंने विद्रोह किया जहांगीर की पत्नी नूर जा के शाहजहाँ को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे इसी क्रम में जहांगीर का पुत्र खुर्रम जिसका बचपन का नाम खुर्रम था और सांजा के नाम से विख्यात हुआ साझा का कार्यकाल सन सोलह ईस्वी से सन सोलह ईस्वी तक रहा दक्कन में साझा के अभियान जारी रहे अफ़ग़ान अफजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्ज़ा कर लिया गया इसी प्रकार उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्ज़ा करने के लिए उस वेगों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा इसके परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया सन सोलह में अंततः अहमदनगर को मुग़लों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेवाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया सन सोलह से अट्ठावन के मध्य साना के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और इसमें औरंग औरंगजेब की विजय हुई और दारासखो समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया सहजा को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया इस प्रकार साझा का कार्यकाल रहा इसी क्रम में शाह के पुत्र औरग औरंगजेब जिनका कार्यकाल सोलह से सत्रह सौ सात ईस्वी तक रहा सन सोलह में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई परंतु उन्होंने सोलह में पुनः विद्रोह कर दिया उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया इस कारण इसका कारण था उनकी अतिरिक्त राजनीति और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान का प्रारंभ हुआ जिसमें वह सफल रहे परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुग़ल कैदखाने से भाग निकले उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया इसी प्रकार अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगनजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाई भेजी सोलह में बीजापुर और सोलह में गोलकुंडा को मुग़लों ने अपने राज्य में मिला लिया सोलह में और में ने दक्कन में मराठों जो छापामार छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया औरंगज़ेब को उत्तर भारत में सिखों जाटों और सतनामियों उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया यहाँ पर इस प्रकार औरंगजेब जो कि मुग़ल शासक का अंतिम शासक था कि क्योंकि इसके बाद शासन चलाने के लिए या गद्दी पर उत्तराधिकार के रूप में बैठने के लिए इस वंश का कोई बारिश न था